गाइज, ये हमारे सामने ऑल न्यू अपडेटेड 2023 न्यू मॉडल TVS Ronin 225। तो आज हम लोग इसी के बारे में जानने वाले हैं और इसी का आज हम लोग डिटेल्ड रिव्यू करने वाले हैं और देखने वाले कि इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस है वो आपको कितना देखने को मिलेगा, इसमें आपको माइलेज कितना देखने को मिल जाता है और साथ साथ इसमें आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे। और इसमें अपडेटेड क्यों बोल रहा हूँ, जो कि आप यहाँ से देख पाएंगे, क्योंकि ये जो बाइक है जो कि आपको E20 को सपोर्ट करने वाला है, मतलब कि इस बाइक को आप 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल के साथ भी चला पाएंगे। तो इसके फ्रंट के साथ ही शुरुआत करें तो इसका फ्रंट लुक देख सकते हैं, जो कि आपको रेट्रो लुक देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आपको राउंड शेप में LED लाइट देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको टी शेप में आपको LED में DRL लाइट देखने को मिल जाता है। ये आपका लो बीम का ऑप्शन और नीचे की ओर देखें तो आपको हाई बीम का ऑप्शन दिया गया है। लाइट का थ्रू आपको अच्छा मिलता है, जिससे रात को भी इसे आप आराम से चला पाएंगे। इस जगह पे आपको नंबर प्लेट लगाने का जगह दिया गया है। इसमें आपको हज़ार लाइट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिससे आपका चारों इंडिकेटर एक साथ आपको ब्लिंक करता हुआ दिख जाएगा। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपको स्लिक डिज़ाइन में आपको LED में इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे। ये आपको की का स्लॉट दिया गया है, यहाँ पे आपको मीटर का कंपार्टमेंट दिया गया जो कि आपको थोड़े से साइड माउंट किए गए हैं और यहाँ पे आपको कोई भी वाइजर नहीं देखने को मिलता है। इसमें जो लीवर मिलता है जिससे कि आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे, जिससे आपको राइडिंग में अच्छा क्वालिटी मिल सके। इसके नीचे की ओर देखें तो इसमें आपको अपसाइड डाउन सस्पेंशन देखने को मिलेगा, जो कि आपको गोल्डन कलर के ही दिए गए। फ्रंट में आपको 300mm का डिस्क साइज दिया गया, जो कि आपको डुअल चैनल ABS के साथ देखने को मिलेगा। इसके नीचे वाले वेरिएंट में आपको सिंगल चैनल ABS का ही सपोर्ट देखने को मिलेगा। टायर देखें जो कि आपको 110 सेक्शन का देखने को मिलेगा। 17 इंचेस का इसमें आपको एलॉय व्हील देखने को मिलेंगे, जो कि आपको डायमंड कट एलॉय व्हील दिया गया, आपको नॉर्मल एलॉय व्हील नहीं देखने को मिलेगा। TVS कंपनी की तरफ से इसमें आपको टायर देखने को मिल जाते हैं। और अगर इसके साइड प्रोफाइल की ओर देखा जाए तो इसका आप साइड प्रोफाइल देख सकते हैं, जो कि आपको क्रूजर मोटरसाइकिल के जैसा देखने को मिलेगा। 14 लीटर का इसमें आपको टैंक कैपेसिटी मिलता है, जो कि आपको डुअल टोन में यहाँ पे आपको टैंक दिया गया है। और यहाँ पे देखें तो आपको येलो कलर का आपको लाइनिंग देखने को मिलेगा, जो कि आपको पीछे की ओर जाता हुआ दिख जाता है। टैंक आपको टोटली मेटल में ही मिलेंगे, जो कि आपको सिल्वर कलर में दिए गए और इधर आपको ब्लैक कलर का दिया गया है। यहाँ पे देखें तो आपको पेट्रोल नॉब का ऑप्शन, यहाँ पे आपको E20 का आपको स्टिकर देखने को मिल जाता है। सीट की ओर देखें जो कि आपको सिंगल पीस सीट मिलता है, राइडर के लिए भी आपको अच्छा स्पेस मिलेगा और पिलियन के लिए भी आपको अच्छा स्पेस मिल जाता है। बट राइडर का जो सीट दिया गया, जो कि आप देखें जो कि आपको थोड़े से पैडेड सीट दिए गए हैं, जिससे आपको इसका जो कुशन है वो आपको ज़्यादा मिल सके। यहाँ पे आपको बेल्ट का ऑप्शन मिलता है, जहाँ कि आप कुछ भी दबा सकते हैं। सिंगल पीस आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल का ऑप्शन मिल जाता है। साइड पैनल की ओर देखें तो यहाँ पे आपको 3D क्रोम फिनिश के साथ आपको रोनिन का ब्रांडिंग मिल जाएगा, यहाँ पे भी आपको डुअल टोन में देखने को मिलेगा इसका साइड पैनल। ये आपका ब्रेक पैड का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आपको इंजन में आपको TVS का ब्रांडिंग मिलता है, जो कि आपको थोड़े से क्रोम फिनिश के साथ ही देखने को मिलेंगे। इसमें आपको किक स्टार्ट का ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। इसके एग्जॉस्ट की ओर देखें जो कि आपको सिंगल बैरल एग्जॉस्ट ही मिलता है। 240mm का इसमें आपको रियर का डिस्क देखने को मिलेगा और यहाँ पे भी आपको ABS का ऑप्शन देखने को मिलेगा। रियर में आपको मोनोक्रॉस टाइप का आपको सस्पेंशन दिए गए, जिससे कि आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर पाएंगे। और यहाँ पे आपको मैड स्लैब का ऑप्शन दिया गया, जो कि आपको फाइबर बॉडी में ही देखने को मिलेंगे। रियर टायर की ओर देखा जाए जो कि आपको 130 सेक्शन का देखने को मिलेगा। इसका जो पैटर्न देखें, जो कि आपको ब्लॉक टाइप का पैटर्न इसमें टायर दिया गया है। रेडियल टायर मिलता है, जिससे आपको ग्रिप अच्छा मिल सके और आपको मोटे टायर मिलेंगे। इस जगह पे आप अपना नंबर प्लेट लगा पाएंगे, यहाँ पे आपको LED बल्ब्स दिए गए हैं, यहाँ पे भी रिफ्लेक्टर, इस साइड भी रिफ्लेक्टर और यहाँ पे भी आपको रिफ्लेक्टर का ऑप्शन दिया गया है। इस जगह पे आपको TVS का ब्रांडिंग मिल जाएगा। रियर में आपको LED टेल लाइट देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको बेसिक सा LED टेल लाइट दिया गया है। इस साइड से देखें तो आपको सारी कार पहले से ही मिल जाएंगे। लेडीज़ फुटरेस्ट आपको बाहर से लगवाने पड़ जाएंगे। चेन आपको टोटली कवर्ड मिलता है, जिसका जो कवरिंग का डिज़ाइन है वो आप देखें, जो कि आपको अच्छे डिज़ाइन में मिलेगा। ये आपका पिलियन का फुटरेस्ट, यहाँ पे आपको राइडर का फुटरेस्ट, साइड स्टैंड और मिडिल स्टैंड दोनों ही मिलेंगे। और साइड स्टैंड में आपको साइड स्टैंड कटअप सेंसर का भी ऑप्शन दिया गया है। 5 गियर के मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आपको ये बाइक देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखें तो आपको क्रैश गार्ड का ऑप्शन पहले से ही मिल जाता है। अगर इस बाइक के इंजन की ओर देखा जाए तो इस बाइक में जो इंजन है, जो कि आपको 225 cc का इंजन देखने को मिल जाता है, आपको सिंगल सिलेंडर 4-stroke 4-valve के साथ देखने को मिलेगा। आपको 20.4 PS का पावर और 19.93 Nm का टॉर्क जनरेट करने वाला है। और इस बाइक में आपको ऑयल कूल्ड का इंजन देखने को मिलेगा, जिसका कि आप यहाँ पे रेडिएटर को भी अच्छे से देख पाएंगे। इस बाइक की माइलेज की ओर देखा जाए तो माइलेज अप्रॉक्स इस बाइक में आपको 30 से 35 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आराम से देखने को मिल जाएगा। टॉप स्पीड की ओर देखा जाए तो इस बाइक में आपको टॉप स्पीड लगभग देखा जाए तो आपको 120-130 किलोमीटर पर आवर का इसमें आपको टॉप स्पीड भी देखने को मिल जाएंगे। इस बाइक का जो वेट है, जो कि आपको 160 kg का वेट रखा गया है। और ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक में आपको 180mm का इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा। अगर इस बाइक की मीटर कंसोल की ओर देखा जाए तो इसका आप मीटर कंसोल देखेंगे, जो कि आपको साइड में माउंट किया गया राउंड शेप में इसमें आपको मीटर कंसोल देखने को मिलेगा। ये आपका टैकोमीटर का ऑप्शन, जो कि आपको 9000 RPM के बाद यहाँ पे रेड लाइनिंग कर जाता है। ये आपका डिजिटल में क्लॉक का ऑप्शन,
ये आपको स्पीडोमीटर का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर देखें तो आपको फ्यूल गेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये आपको ट्रिप वन और आपको ट्रिप टू का ऑप्शन मिल जाएगा। ये आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर दिखाने वाला है। इसमें आपको मोबाइल कनेक्टिविटी का भी ऑप्शन मिलेगा, जिस वजह से यहाँ पर आपको ब्लूटूथ ब्लिंक करता हुआ दिख जाता है। इसमें आपको राइडिंग मोड के भी ऑप्शन मिलेंगे, जिसे कि आप यहाँ से चेंज कर पाएंगे। इसे एक बार मैं प्रेस करूँ, ये आपका अर्बन मोड, साथ साथ यहाँ पर देखें तो आपको रेन मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये आपको एवरेज स्पीड का ऑप्शन दिया गया, ये आपको लैप टाइमर मोड का ऑप्शन मिलेगा। और यहाँ पे आपको दो बटन मिलते हैं, इसे जब आप प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। मोड वाले बटन को जब आप प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से एक चीज़ देखेंगे, जो कि आपको ट्रिप बी का ऑप्शन हो गया। यहाँ पे आपको DTE मतलब इसमें आपको डिस्टेंस टू इम्पटी का फीचर्स मिलेगा, जिससे आपको ये पता चलने वाला है कि आपके टैंक में कितना ज़्यादा पेट्रोल बचा हुआ है और आप कितने दूरी तक जा सकते हैं, वो फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये आपका ओडोमीटर का ऑप्शन, इतना कुछ आपको एडवांस फीचर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ऊपर की ओर देखें तो आपको काफ़ी कुछ इंडिकेशन देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको लो फ्यूल इंडिकेशंस, न्यूट्रल इंडिकेशन, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न का इंडिकेशंस, ABS वार्निंग लाइट, इंजन मलफंक्शन का इंडिकेशन मिलेगा, और साथ साथ इसमें आपको साइड स्टैंड का भी इंडिकेशन देखने को मिल जाता है। स्विचेस की ओर देखा जाए तो आपको लो बीम, आपको हाई बीम का स्विच, यहाँ पे आपको पासिंग का स्विच दिया गया है, लेफ्ट टर्न और राइट टर्न का स्विच, यहाँ पे आपको आई स्विच मिलता है, जहाँ से कि इसके मीटर कंसोल को आप टॉगल कर पाएंगे। ये आपका हॉर्न का स्विच, यहाँ से आप इंजन को ऑन ऑफ कर पाएंगे, और यहाँ से आप इसे हज़ार लाइट को ऑन ऑफ करने का स्विचेस दिया गया है, और इस वाले स्विच से आप इसे सेल्फ स्टार्ट कर पाएंगे। तो इसे मैं सेल्फ स्टार्ट करता हूँ, इसका मैं आपको साउंड को चेकआउट कराता हूँ। इस बाइक में आपको साइलेंट स्टार्ट का फीचर्स मिलता है, जिससे जब भी इसे स्टार्ट करेंगे उस वक्त आपको पता भी नहीं चलने वाला है कि बाइक आपका स्टार्ट हो चुका है। अभी का जो इस बाइक का जो ऑनरोड प्राइस है, जो कि आपको 2,01,000 रुपीज़ रखा गया है, हमारे नियर सिटी शोरूम रांची में आपको स्वास्तिक TVS में आपको ए प्राइस देखने को मिलेगा। मैं आपको शोरूम का हर एक डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप शोरूम विजिट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर आके किसी भी TVS के प्रोडक्ट को चूज़ कर पाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।